नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कारगिल युद्ध न सिर्फ भारतीय सैनिकों की शौर्य और देश के प्रति उनके जज्बे को दर्शाता है, बल्कि ये युद्ध ठंडी बर्फीली वादियों में पाक की नापाक साजिश को उजागर भी करता है। शांति के साझा प्रयासों के तहत जब दोनों देश 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, उसी वक्त पाक सेना के नए जनरल बने परवेज मुशर्रफ भारत की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे थे। कई दस्तावेजों और किताबों में ये साफ है कि कारगिल की साजिश के पीछे परवेज मुशर्रफ का ही हाथ था। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज और जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच एक टेलीफोन वार्ता को टेप किया था। उस वक्त मुशर्रफ नवाज शरीफ के साथ बीजिंग में थे। बातचीत के दौरान अजीज ने कहा था कि कारगिल में योजना के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अजीज ने ये भी कहा कि मुशर्रफ इस बात का ध्यान रखें कि नवाज शरीफ किसी राजनीतिक दबाव के आगे झुके नहीं। फोन के दौरान दोनों ने पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों को तैनात करने के बारे में बातचीत की। इस टेप का भारत ने व्यापक प्रचार किया और पाकिस्तानी साजिश दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया कि कारगिल युद्ध को लड़ने वाले सभी कश्मीरी आतंकी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से ये साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना इस युद्ध में शामिल थी। सेना अध्यक्ष बनने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने ही इसे अंजाम दिया था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी अपनी भूमिका से इनकार किया और मुशर्रफ को ही जिम्मेदार बताया। साथ ही मुशर्रफ के रिश्तेदार लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने अपनी पुस्तक ये खामोशी कहां तक और पाक सेना के कर्नल रहे अशफाक हुसैन ने विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड नाम की किताब में मुशर्रफ की भूमिका को स्पष्ट किया और दोषी ठहराया। इस युद्ध के कारण पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता में इजाफा हुआ। नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बने। दूसरी ओर भारत में युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल था। देश एक सूत्र में और मजबूती से एकजुट हुआ। भारत सरकार ने रक्षा बजट में इजाफा किया। पाकिस्तान को जून आते आते लगने लगा कि उसे एक बार फिर से अपमानजनक हार का मुंह देखना होगा। इसके बाद उसने ईरान से मध्यस्थता की अपील की, लेकिन ईरान ने ये अपील ठुकरा दी। वहीं 4 जुलाई को नवाज शरीफ ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सामने इस संघर्ष को रोकने की गुहार लगाई। अमेरिका ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। साथ ही अमेरिका जल्द से जल्द युद्ध बंद करवाना चाहता है। इससे पूर्व पाकिस्तान अपने अजीज दोस्त चीन के दरवाजे पर पहुंचा, जहां से भी उसे बेहद ठंडी प्रतिक्रिया मिली। कारगिल की लड़ाई में तत्कालीन पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ कब कौन सी चाल चलेंगे, ये किसी को मालूम नहीं था। उन्होंने न तो उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ कुछ साझा किया और न ही पाकिस्तानी आर्मी के शुरुआती कदमों की भनक किसी को लगने दी। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तानी फौज के जनरल परवेज मुशर्रफ के धोखे को समझने वाला कोई शख्स नहीं था। पाक सेना और जिहादियों के दस्ते कारगिल में पहुंच चुके थे, मगर बड़े ओहदे वाले जनरल परवेज के कई सहयोगी इससे वाकिफ नहीं थे। कारगिल लड़ाई में सेना प्रमुख रहे वेद प्रकाश मलिक ने अपनी किताब फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री के चैप्टर द डार्क विंटर में ऐसे कई खुलासे किए। जनरल परवेज अपनी आर्मी की कमजोरी समझते थे। उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पहुंच का एहसास था। वे ये भी जानते थे कि रॉ पाकिस्तानी सेना में कहां तक घुसपैठ कर सकती है। यही वजह रही कि उन्होंने कारगिल लड़ाई से जुड़ी अनेक रणनीतिक बातें अंतिम समय तक आर्मी के बड़े अफसरों से छिपा ली। यहां तक कि पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को भी कुछ नहीं बताया। द डार्क विंटर में वीपी मलिक ने लिखा कि रॉ ने लड़ाई से पहले और लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की तरफ वाली कई फोन कॉल इंटरसेप्ट की थी। इसके जरिए वो बातचीत रिकॉर्ड हुई, उसमें कई सनसनीखेज खुलासे भी हुए। वो बातचीत ये साबित करने के लिए काफी थी कि कारगिल लड़ाई का खाका पूरी तरह से परवेज मुशर्रफ ने खींचा था। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल के कई सहयोगियों को कारगिल लड़ाई के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था।
केवल उन्हें ही क्यों, पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों को भी खबर नहीं मिल पाई। परवेज मुशर्रफ जानते थे कि कारगिल लड़ाई की सूचनाएं जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, वो उतना ही नुकसानदेह साबित होगा। पाकिस्तानी आर्मी में रॉ की घुसपैठ से वे परिचित थे। वे ये भी समझते थे कि देर सवेर उनके प्लान की भनक रॉ को लग सकती है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों और नौकरशाहों को इस बातचीत की जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तानी सेना के साथ जिहादियों के दस्ते भी LOC के पार गए हैं। भारतीय सेना यही समझे कि कारगिल की पहाड़ियों पर केवल जिहादी पहुंचे हैं। इसके लिए मुशर्रफ ने रेडियो पर जिहादियों की स्थानीय भाषा में झूठे संदेश प्रसारित करा दिए। रॉ की मजबूत पकड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने परवेज मुशर्रफ और उनके विश्वास पात्र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज खान के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड कर ली। इसमें मुशर्रफ की बातों से साफ पता चल रहा था कि कारगिल लड़ाई का जो खाका खींचा गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अंधेरे में रखा गया। हैरानी वाली बात ये रही कि पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के टॉप कमांडर्स को छोड़कर बाकी किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं थी। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी हुए सिग्नल में कहा गया था कि कुछ जिहादी दस्ते भारतीय सीमा में घुसे हैं। बाद में जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो भी मुशर्रफ ने अपना प्लान सार्वजनिक नहीं किया। कारगिल की लड़ाई खत्म होने के कई साल बाद खुद नवाज शरीफ ने ये बात स्वीकार की थी कि परवेज मुशर्रफ बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। उनके हाथ में आर्मी की कमान सौंपना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुशर्रफ ने रॉ को धोखा देने के लिए कारगिल इलाके में LOC पर झूठे रेडियो संदेश जारी करा दिए। ये संदेश बाल्टी और पश्तो भाषा में थे। इसमें जिहादी आपस में बातचीत कर रहे थे। मुशर्रफ की चाल थी कि रॉ व मिलिट्री इंटेलिजेंस ये संदेश सुनकर गुमराह हो जाए। भारतीय एजेंसियां ये समझे कि कारगिल में केवल जिहादी आए हैं, पाकिस्तानी आर्मी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।